हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। फ्रेंड्स, आज अपन चर्चा करते हैं फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एंजाइम। एंजाइम एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स, जिससे लगभग एक या दो क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं, और आज इसी टॉपिक से बनने वाले मोस्ट 15 क्वेश्चनों के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। क्वेश्चनों पर चर्चा करने से पहले कहूँगा फ्रेंड्स कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन देखिए, जे बी सेमनर, कुहन, थॉम्पसन और गार्नियर। तो बताइए फ्रेंड्स, चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा? तो इन चारों ऑप्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अपना सही ऑप्शन आता है कुहन, यानी कुहन के द्वारा एंजाइम शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोलॉजिकल मिडिल मैन किसे कहते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल मिडिल मैन। हार्मोन, विटामिन, एंजाइम या उपरोक्त सभी को? तो फ्रेंड्स, अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं एंजाइम के बारे में, इसलिए अपना आंसर क्या होगा? एंजाइम। एंजाइम को बायोलॉजिकल मिडिलमैन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, को एंजाइम की खोज किसने की थी? जेम्स समनर, प्रीटर लिम्पमैन, मायरहाफ और एडवर्ड बुचनर ने। तो को एंजाइम जो था उसकी खोज की थी प्रीटर लिम्पमैन के द्वारा। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य एंजाइम के लिए सही है? सभी एंजाइम प्रोटीन है, सभी प्रोटीन एंजाइम है, सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं है, या सभी एंजाइम विटामिन है? तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि एंजाइम जितने भी होते हैं वह प्रोटीन से निर्मित होते हैं, इसलिए अपन कहते हैं कि सभी एंजाइम क्या है? प्रोटीन होते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती है। तो सही आंसर ए, सभी एंजाइम प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन, जैविक उत्प्रेरक को कहते हैं ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन, एंजाइम्स या उपरोक्त सभी? तो जैविक जो उत्तक होते हैं फ्रेंड्स उत्प्रेरक, उन्हें कहा जाता है एंजाइम। अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं? बढ़ाने का कार्य करते हैं। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, किस कारण से एंजाइम पौधों के लिए उपयोगी होते हैं? ऑप्शन देखिए, क्लोरोफिल के निर्माणकारी खंड होने के कारण, उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होने के कारण, जल व लवण अवशोषण में आवश्यक होने के कारण, या पेराटोनिक गतियों के लिए उत्तरदायी होने के कारण। तो एंजाइम पौधों के लिए उपयोगी क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि ये क्या करते हैं? उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। पादपों में जितनी भी जो उपापचयी क्रियाएं होती है, चाहे वह श्वसन की हो, चाहे वह पोषण संबंधी हो, उत्सर्जन हो, उन सब में एंजाइम आवश्यक होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगला, एंजाइम्स के बारे में क्या सही है? पीएच 7 पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, सभी अमीनो अम्ल है, सभी प्रोटीन्स है, और सभी 0 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। तो प्रोटीन के लिए सही बात अभी अपन ने पहले भी देखी थी फ्रेंड्स कि ये किससे निर्मित होते हैं? प्रोटीन से निर्मित होते हैं एंजाइम, इसलिए ये सभी प्रोटीन है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकांश एंजाइम किन दो खंडों के बने होते हैं? अधिकांश एंजाइम किन दो खंडों के बने होते हैं? तो ऑप्शन, एंजाइम और सबस्ट्रेट, एंजाइम और कोएंजाइम, एपो एंजाइम और एंजाइम, और एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक समूह है। तो अधिकांश जो एंजाइम होते हैं फ्रेंड्स वह बने होते हैं एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक समूह है, यानी डी ऑप्शन अपना सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन से निर्मित एंजाइम के भाग को क्या कहते हैं? यानी कि लगभग अपन मानते हैं कि एंजाइम प्रोटीन से निर्मित होता है, लेकिन साथ साथ में कुछ अप्रोटीन भाग भी पाया जाता है। तो जो केवल प्रोटीन से निर्मित होता है वह भाग क्या कहलाता है? होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, आइसो एंजाइम और उपरोक्त
सभी। तो प्रोटीन से निर्मित जो भाग होता है फ्रेंड्स, वह कहलाता है एपो एंजाइम। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एंजाइम कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्र को कहते हैं, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, को एंजाइम या प्रोस्थेटिक समूह है। तो इन्हें कहा जाता है फ्रेंड्स होलो एंजाइम। ए ऑप्शन है सही है। अगला, जब को एंजाइम एपो एंजाइम के साथ मिलता है तो इसे कहते हैं कोफैक्टर, होलो एंजाइम, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स या विटामिन ए। तो इन्हें कहा जाता है फ्रेंड्स होलो एंजाइम, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला, एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग क्या कहलाता है? तो एंजाइम में अपन कहते हैं फ्रेंड्स लगभग प्रोटीन का बना होता है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका नॉन प्रोटीन भी होता है, तो वह भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, को एंजाइम या उपरोक्त सभी। तो अप्रोटीन जो भाग होता है फ्रेंड्स वह कहलाता है को एंजाइम। सी ऑप्शन सही है। अगला, एंजाइम जो कि नॉन प्रोटीन भाग के साथ जुड़कर क्रियात्मक एंजाइम बनाते हैं क्या कहलाता है? को एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम या प्रोस्थेटिक समूह है। तो वह कहलाता है फ्रेंड्स होलो एंजाइम। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिकाओं में एंजाइम किस रूप में रहता है? ठोस अवस्था में, रवों के रूप में, कोलाइड अवस्था में या विलयन के रूप में। तो कोशिकाओं में जो एंजाइम होता है फ्रेंड्स वह रहता है कोलाइडल अवस्था के रूप में रहता है। सी ऑप्शन सही है। आज का अंतिम क्वेश्चन फ्रेंड्स, बताने से पहले कहूँगा कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है लेकिन हमारा मनोबल जरूर बढ़ता है। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स अंतिम क्वेश्चन, एंजाइम्स की क्रियाविधि स्पष्ट करने के लिए ताला चाबी की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और लगभग पूछने की संभावना भी रहती है। ऑप्शन फिशर, जेकब, कोसलैंड और समनर। तो ताला कुंजी सिद्धांत जो दिया था फ्रेंड्स वह किसके द्वारा दिया गया था? फिशर के द्वारा दिया गया था। ये ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स ये थे आज अपने एंजाइम से पूछे जाने वाले 15 क्वेश्चन। इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने आपने सही किए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। और ऐसे ही क्वेश्चनों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपके फ्रेंड सर्किल में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स।